हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। सिर्फ स्टडी के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मान लिया यूपी लेखपाल, यूपी पीईटी के बाद यूपी लेखपाल आने वाला है, उसके लिए हिंदी और यूपी जीके दोनों जरूरी हैं। ठीक है, हिंदी भी स्टार्ट करेंगे। यूपी जीके की बात करें तो यूपी के सभी एग्जाम के लिए, वो चाहे हमारा स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस से लेके एसएससी जीडी से लेके यूपी पीईटी, यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी आर ओ तक भी काम आएगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल बेस से देखेंगे और बेस से बिल्कुल लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले देखते हैं लोकेशन, तो ये बात करें लोकेशन की, तो ये है हमारी लोकेशन मैप में, इंडिया के मैप में किसकी, उत्तर प्रदेश की। यही चीज़ हमने यहाँ दिखाई है 75 जिलों के साथ। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। पहला, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा यूपी का नाम है वो कब कब क्या क्या रहा, कैसे कैसे चेंज हुआ। ठीक है, वो सारा प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो पहली बार 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। उसके बाद 1877 की बात करें तो उस टाइम पे क्या जाना गया, हमारा उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना गया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, फिर 1902 में एक बार और परिवर्तन हुआ, 1902 में हमारा आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, फिर लेकिन मेन जो हमारा यूपी यूनाइटेड प्रोविंस जो बना, वो बना हमारा ब्रिटिश शासन के अधीन। तो ब्रिटिश शासन के टाइम पे क्या नाम था, बात करें ब्रिटिश शासन के टाइम पे, तो ये आ जाएगा 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद बात करें हम 1 नवंबर 1950 को यूपी की स्थापना। ठीक है, लेकिन स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, हमारा 24 जनवरी को। ठीक है, बात करें विभाजन, विभाजन कब हुआ, जब हमने क्या कर दिया, उत्तरांचल में, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दो में टूट गया, मतलब उत्तराखंड, आज का उत्तराखंड। ठीक है, कब हुआ, ये हुआ 9 नवंबर 2000 को। यदि हमें जैसा कि हमें पता है क्या थी इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक थी 36 उत्तर झार, मतलब कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हुआ अलग, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हुआ अलग, और झार से झारखंड अलग हुआ बिहार से। कब हुए, 1915, तो 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, और 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड अलग हो गया बिहार से। ठीक है, याद रखना है हमें। उसके बाद देखते हैं हम यही प्रोसीजर सेम किसके लिए, राजधानी के लिए। जैसे कि हम जानते हैं अब कैसी है, अब है हमारी राजधानी लखनऊ, लेकिन ये कैसे कैसे, ये प्रोसीजर क्या था, कैसे कैसे चेंज हुई। सबसे पहले पहला प्रोसीजर 1836 में इसका नाम था आगरा, फिर 1858 में इसे शिफ्ट कर दिया गया प्रयागराज, मतलब कि इलाहाबाद। फिर उसके बाद देखते हैं 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से, मतलब पार्शियल रूप से क्या कर दी, लखनऊ राजधानी घोषित कर दी, लेकिन पूरी तरह से पूर्णता जो बनी वो बनी 1935 में, जानते भी हम बहुत पॉपुलर अधिनियम 1935 का अधिनियम। ठीक है, जिसके अंदर लगभग 70% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का हिस्सा वहीं से लिया गया है, तो उससे भी रिलेट करके हम याद कर सकते हैं 1935 में लखनऊ पूर्णता रूप से बन गई, आज भी हमारी क्या है, आज भी हमारी लखनऊ है राजधानी। ठीक है, वो देख सकते हैं। अब हमने देखा कब हमारे यूपी का नाम क्या क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा अवध क्या कब था, फिर उसके बाद आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कब हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा किस दौरान संयुक्त प्रांत आगरा अवध के रूप में स्थापना हुई, फिर उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस कब बना और यूपी कब बना। ठीक है, कब उसका विभाजन हुआ, ये देख लिया हमने स्लाइड के अंदर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि बात करें हम इसकी भाषा की, तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा कब से, ये आ जाएगा 1947 से, आज़ादी के बाद से देवनागरी लिपि में ये आ जाएगी प्रथम राजकीय भाषा। उसके बाद बात करते हैं हम राजधानी, तो राजधानी जैसे कि हम ऊपर देख चुके, ठीक है, इसी का पुराना नाम था हमारा, ये आ जाएगा राजधानी, ये आ जाएगी लखनऊ, इसी का प्राचीन नाम था लखनपुरी। ठीक है, बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय कहाँ पे है, जैसा कि हम जानते हैं ये कि उच्च न्यायालय है हमारा कहाँ पे, इलाहाबाद में 17 मार्च 1866 में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई इलाहाबाद में। ठीक है, फिर बात करें राजकीय पक्षी की, तो ये या तो सारस या फिर क्रौंच। ठीक है, बात करें राजकीय पशु की, तो वो जैसा कि हम जानते हैं क्या होगा, बारहसिंगा। ठीक है, बात करें राजकीय पुष्प की, तो कहीं कहीं मेंशन होगा हमारा पलास, कहीं कहीं टेंसु, तो पलास और टेंसु कब अडॉप्ट किया गया, कब से अपनाया गया, ये 4 जनवरी 2011 से। ठीक है, फिर राजकीय वृक्ष की बात करें, तो राजकीय वृक्ष आ जाएगा अशोक। ठीक है, राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह में देखा होगा उसमें एक तीर धनुष, फिर रेखा वो हैं बहाव,
ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये तीन चीज़ें देखी होंगी। तो पहला क्या है, सबसे पहले देखते हैं तीर और धनुष, ठीक है। तो तीर और धनुष किसके प्रतीक हैं, ये हो जाएंगे हमारे हिंदू शासन। तो हिंदू शासन में किसके, हिंदू शासन राम के प्रतीक। उसके बाद तीन तरंग लाइन होंगी, उसमें क्या है वो बहाव दिखाएंगी किसका, नदियों का। तो ये आ जाएगा हमारा तीन तरंग लाइन के अंदर गंगा यमुना का बहाव का प्रतीक है। उसके बाद दो मछलियां हैं, तो वो अवध के मुस्लिम शासकों का क्या है, प्रतीक है। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह कब अडॉप्ट किया गया, यदि इसकी बात करें तो ये आ जाएगा हमारा कब, 1938 में इसे क्या कराया गया, स्वीकृत करा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा फिर उसके बाद राजकीय खेल, ठीक है। तो राजकीय खेल क्या हो जाएगा हमारा, राजकीय खेल होगा हॉकी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, ये हो गया राजकीय खेल हॉकी। फिर आते हैं सीमावर्ती देश, तो सीमावर्ती एक ही देश के साथ, एक ही देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है उत्तर प्रदेश, वो हो जाएगा हमारा नेपाल, ठीक है। नेपाल की सीमा से कितने जिले सीमा बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, लेकिन पहले देखते हैं हम तो सीमावर्ती देश क्या है, सिर्फ एक। बात करें सीमावर्ती प्रदेश स्टेट कितने हैं, तो यदि यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, बाकी 8 हैं हमारे राज्य, ठीक है। जैसे कि उसकी ट्रिक है, जैसे एमपी का आंचल, राजू बिहारी, 36 की झाड़ू है राणा हमारी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इसे एमपी से हम रिलेट कर लेंगे क्या, एमपी से रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश, फिर आंचल से उत्तरांचल मतलब कि उत्तराखंड अब का, राजू से राजस्थान, बिहार से बिहारी, छत्तीस से छत्तीसगढ़, झारखंड से झाड़ू से झारखंड, और राणा से हरियाणा, और बात करें हमारी से तो हिमाचल प्रदेश। यदि ये भी याद नहीं होता तो इसकी एक और ट्रिक देख सकते हैं हम, तो वो हो जाएगी हमारी दो खंड, ये हो जाएगा हमारा दो खंड छह हिम के मध्य बिहारी इसे देख सकते हो आप, ये उससे भी आसान ट्रिक है, इससे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि देखो, देखते हैं इसमें इनका मतलब क्या है, दो खंड से पहले दिल्ली याद कर लेंगे, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद दो खंड हैं, दो खंड कौन कौन से हैं यूपी में, पहला आ जाएगा हमारा झारखंड, दूसरा आ जाएगा उत्तराखंड, दो खंड याद हो गए। उसके बाद छह से हम छत्तीसगढ़ याद कर लेंगे, हिम से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है। बिहारी में बी से बिहारी, है से हरियाणा और राजस्थान, तो कितने हुए, 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये सारे जो जो हमारे लगा रहे हैं सीमा वो सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो दो खंड भी देख लिए, मतलब दो तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद इसी में हमने देख लिया यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी को मिला दिया जाए तो 9 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की सीमा लग रही है, ठीक है। लेकिन खाली हम राज्य की बात करें तो 8 राज्यों की सीमा लग रही है, ठीक है। तो वो देख लेंगे, सबसे ज़्यादा इसी के साथ, इसी से लग रही है, यूपी से ही, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो दोनों में से ये ट्रिक देख लो, या जो मैंने बताई दो खंड छह हिम के मध्य बिहारी, उससे याद कर लो, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी, दोनों ही आसान है, ठीक है। बात करें सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बन रही है, जैसा कि हम इसके अंदर भी देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी, तो सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श होती है, कितने जिले लगाते हैं, 11 जिले। न्यूनतम की बात करें तो एक ही जिला लगाता है हिमाचल प्रदेश के साथ, तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश के बाद। लेकिन यदि बात करें हम इसी में ही कि एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, तो वो आ जाएगा हमारा सोनभद्र, 4 जिलों से बनाएगा। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। जैसा कि हम इस मैप के अंदर देख सकते हैं कौन कौन किस किस से सीमा, कहाँ कहाँ किस किस से सीमा बना रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लिया उत्तर, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, बात करें पूरब में तो बिहार और झारखंड, बात करें दक्षिण में तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बात करें पूरब में तो राजस्थान और हरियाणा। वैसे तो ये उत्तर पूरब में है लेकिन पूरब में मान सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये हमारे सीमा लगा रहे हैं। लेकिन बात करें हम सबसे कम सीमा की, तो सबसे कम देखो यहाँ पे ये है हिमाचल प्रदेश, सबसे छोटी सीमा, और बात करें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ये आ जाएगी हमारी मध्य प्रदेश, यहाँ तक तो ये सबसे बड़ी सीमा लग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख भी लिए हमने, 11 जिले लग रहे हैं मध्य प्रदेश।